तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज के चारों ओर फ्रेम कैसे सेट करते हैं, या उसको आप बॉर्डर भी कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं ऑलरेडी 100 से ज्यादा वीडियोज बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ली हुई है। अब अगर हमें इस पिक्चर पे फ्रेम सेट करना है तो सबसे पहले हमें इस पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा। तो पिक्चर में बीच में कहीं पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिक्चर चारों तरफ से सेलेक्ट हो गई। आपको छोटे छोटे सर्कल दिख रहे होंगे, ठीक है, इसका मतलब पिक्चर ये सेलेक्ट हो गई। तो जब आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट का। याद रखिए ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट ना करूं तो ये ऑप्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप फॉर्मेट का ऑप्शन आपको शो करेगा तो इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए। तो नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, और ये देखिए ये सारे हैं वो फ्रेम, ठीक है। अब मैं इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको शो करेगा। तो चलिए कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला, मुझे थोड़ा सा पसंद है इसलिए मैं रोटेटेड व्हाइट ले रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इसकी कलर भी चेंज करके देखेंगे, मतलब जो फ्रेम हम लगा रहे हैं उसका हम कलर भी चेंज करके देखेंगे, इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। सिंपल इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। तो सेलेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। फ्रेम इंटरेस्टिंग सा फ्रेम आपको चारों तरफ से दिख रहा है। अब अगर इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जाइए, ये देखिए पिक्चर बॉर्डर का यहाँ पर आपको ऑप्शन ये दिख रहा है, ठीक है, ये रहा पिक्चर बॉर्डर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। कोई भी एक कलर आप यहाँ पे पसंद कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये ग्रे वाला कलर पसंद कर लिया। जैसे ही आप ग्रे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिक्चर का फ्रेम कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक ब्यूटीफुल फ्रेम सेट कर सकते हैं इमेज के चारों ओर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।